हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे आज के एक और नए ब्लॉग में। तो आज के ब्लॉग में हम जा रहे हैं भीम का पैर देखने, जो कि हिमाचल प्रदेश की डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर के दैन पंचायत के पास है। तो दैन गांव की दूरी यहां से 1.5 किलोमीटर है। फिलहाल अभी हम दैन गांव से 1 किलोमीटर अंदर आए हैं इस कच्चे रोड पर, और बाइक हमने लगा दी है यहाँ पर। तो यहीं पर है भीम का पैर, तो अभी हम उसी को देखने जा रहे हैं। बाकी मेरे साथ आया है मनोज, जो कि आगे हैं, और अभी हम तलाश कर रहे हैं भीम के पैर की। तो फिलहाल हमने अभी पूछा किसी से, तो उन्होंने बताया है कि भीम का जो पैर है वहाँ जैसे नीचे जा गया है। तो चलते हैं नीचे और देखते हैं वहाँ हमें मिलेगा पैर कि नहीं। और भाई इस टाइम जंगल का एरिया है तो बहुत कम लोग हैं, तो हमने भी अभी किसी से पूछा तो उन्होंने बताया नीचे जाके। तो फिलहाल अभी हम पहुंचे हैं एक जगह पर, और ये लग रहा है वो निशान, शायद यही भीम का पैर होगा। और इतना बड़ा है ये मेरा पैर और ये भीम का पैर। बाकी अभी हम पहुंच चुके थे भीम के पैर के पास, और जो रोड है कच्चा वो ऊपर जाके है, तो वहाँ से हम उतर के यहाँ आए हैं, नज़दीक ही है। और फिलहाल अभी इसमें पानी है क्योंकि अभी बरसात ही ख़त्म हुई है। और कितना बड़ा पैर है, बोलते हैं पैर रखा होगा यहाँ पे, तो दूसरा दूसरा नहीं, एक ही पैर का निशान पड़ा है, लोगों का मानना है। और नीचे कहीं पे कुंती माता की झील भी है, जहाँ पे कहते हैं कुंती माता स्नान करती थी, वहाँ झंडे वगैरह लगे होंगे, तो शायद ये रास्ता जाता है। पर आजकल बरसात है तो घास काफ़ी हो गई है, तो ढूंढने में थोड़ी दिक्कत आएगी, पर हमें भीम का पैर जो है आराम से मिल गया। अभी हम भीम का पैर देखने के बाद जा रहे हैं कुंती झील में, तो पहले ढूंढने पड़ेगी क्योंकि यहाँ कोई भी नहीं है हमारे दोनों के अलावा, पर बाइक हमारी यहाँ दिखाई दे रही है सामने। तो जंगल का एरिया है, किसी ने बताया इसी रास्ते से होते हुए हमें आगे जाना है, तो उसी रास्ते से हम जा रहे हैं आगे, शायद आगे मिल जाए। और नीचे जाके शायद बता रहे हैं, नीचे जाके शायद हो सकती है। तो अभी हम चले हैं नीचे की तरफ और कुंती कुंड ढूंढ रहे हैं, पर अभी हमें मिला नहीं कहीं पे भी। और वैसे भी घास ही घास है चारों तरफ, तो रास्ता भी नहीं दिख रहा, और यहाँ पे कोई लोग है भी नहीं। क्या कह रहे हैं है? आगे कुंड तो हुआ ना, देख बाप मेरा मंदिर दिखाई दिया कुती मंदिर तो वहाँ पर भी। हाँ हाँ, नीचे दिखाई दे रहा है यहाँ पे बाबा जी की कुटिया, और यहाँ एक पत्थर से दिखाई दे रहा है, शायद वो तो नहीं है, है? इसी रास्ते में है शायद, तो शायद हमें नीचे शायद कुछ दिखाई दे रहा है, शायद कोई कुंड हो। बाकी किसी ने बताया था वहाँ झंडे भी लगे हैं, तो झंडा तो कोई दिखाई नहीं दे रहा कहीं पे भी, तो शायद वहाँ हो कुंड। बाकी यहाँ पे घास ही घास है। अभी हम ढूंढते ढूंढते पहुँच चुके हैं बाबा जी की कुटिया में, पर बाबा जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे, वो बीच में घास ही घास है, रास्ता नहीं है जाने के लिए। अभी कुंती कुंड मेरे ख्याल उस तरफ है, और उधर भी घास ही है, तो फिलहाल रास्ता देख रहे हैं वहाँ जाने के लिए मिल जाए। बाकी अभी थोड़ी देर छाया में बैठे हैं क्योंकि धूप काफ़ी ज़्यादा तेज है। चले तो अभी चलते हैं कुंती कुंड की तरफ, है वहीं से चलते हैं उधर से, या फिर वहाँ से ऊपर से वो ये रास्ता, उधर पानी दिखाई दे रहा है ना उधर से, तो चलते हैं फिलहाल आगे, शायद कुंती कुंड वहाँ जैसे है पीछे। तो काफ़ी देर ढूंढने के बाद अब हम पहुँचे हैं इस लोकेशन पर, तो शायद यही
कुंती माता का कुंड है और अभी चारों तरफ घास ही घास है। यहाँ पे एक झंडा भी लगा है, तो यही कुंती कुंड है और नीचे बाबा जी की कुटिया भी यहाँ से दिखाई दे रही है और शायद वहाँ झंडे से लगे हुए हैं। तो आजकल काफ़ी कम लोग यहाँ आते हैं, तो शायद तभी रास्ते का इतना पता नहीं चला क्योंकि रास्ते जो है गायब हो चुके हैं। अभी हम पहुँच चुके हैं, तो अभी काफ़ी देर ढूंढने के बाद हम पहुँचे हैं इस लोकेशन पर। अब ये पता नहीं ये कुंड है कुंती कि कहीं और है, बाकी ऊपर जाके झंडा लगा हुआ है। साथ में मेरे जो फ्रेंड आया वो कह रहा है ये नहीं है, ऊपर हो सकता है। कहाँ है ऐसे? ये ऊपर तक के कह रहा है कि वहाँ पे भी कोई झंडा लगा है, तो बाकी पता नहीं, यहाँ कोई है भी नहीं पता करने के लिए। वो नीचे कुटिया बाबा जी की है नीचे जाके, वो पानी का ऐसे कुंड से तो बना हुआ है पर साफ नहीं है क्योंकि लोग अब कम ही आते हैं। पर ऊपर भी देख लेते हैं शायद ऊपर हो। और इधर भी एक निशान सा दी बना हुआ है, हालांकि पैर तो हमें ऊपर मिल गया था भीम का एक निशान। और इस तरफ भी देख लेते हैं क्या होता कुंड अपना इस तरफ हो, पर उस तरफ जाने के लिए बीच में रास्ता नहीं है। रास्ता है बीच में, वो हुए पानी है बहुत। ये तो कहना है इसकी कुंड जो है ऊपर जाके है। दीवार भी तले गिर देख पा रहे हो? हाँ, यहाँ कुछ पुरानी इमारत का टुकड़ा भी है, पर यहाँ संभल के चलना पड़ेगा। ये पानी है छोटू मारता सही। तो है एक पुराना अवशेष है कोई इमारत का, रास्ता कुछ अभी ऐसे ही है। हाँ, ये लग रहा कुंड है ना ये भाई, यहाँ पे झंडा भी लगा हुआ है। तो ऊपर से यही दिखाई दे रहा था, हमने सोचा वो वाला कुंड है काफी बड़ा था वो, और ये है कुंड भाई। तो अभी पहुँच चुके हैं कुंती माता जी के कुंड में, यहाँ पे चूड़ियाँ वगैरह भी चढ़ाई हुई हैं और झंडा भी है, और ये रास्ता भी बनाया हुआ है सीमेंटेड। तो ये है कुंती माता का कुंड। वहाँ जैसे कुछ मूर्ति सी भी है शायद, आगे जाना। भाई यहाँ तो एकदम ठंडा ठंडा सा हुई, आगे तक सुरंग है, आगे अंदर तक रही है ना भाई, अंदर कोई नहीं जाएगा, डर लगे अंदर जाए कौन जाएगा। पर यहाँ तो एकदम ठंडी हवा चली हुई है। तो कुंती कुंड के बारे में ऐसी मान्यता है कि यहाँ पहले कुंती माता स्नान करती थी इस जगह पर, और फिर बाद में गांव की महिलाएं भी यहाँ पे स्नान करने आती थी। तो अभी लगता है मुझे अब कम ही आती हैं क्योंकि रास्ते इतने खतरनाक से हो गए हैं, जंगली जंगल। ये तो पहले यहाँ पे स्नान करना पवित्र माना जाता था, और यहाँ पे ना एक अलग सा एहसास है, बिल्कुल सुनसान, जरा सी कोई शोर नहीं। बाकी यहाँ स्नान करना पवित्र माना जाता था, सबकी अपनी अपनी मान्यता थी, तो इसमें हम कुछ नहीं कह सकते। बाकी अभी यहाँ पे भी चूड़ियाँ वगैरह चढ़ाई हुई हैं, शायद गांव की औरतें यहाँ आती हों। अब यहाँ से हम चलते हैं वापस क्योंकि काफ़ी दूर से आए हैं और एकदम सुनसान जगह है, तो यहाँ पे रात के टाइम आना रिस्की है, और यहाँ पे ना एकदम ठंडा ठंडा सा है। बाकी जगह एकदम गर्मी से हालत ख़राब है, यहाँ एकदम ठंडा ठंडा सा है, पानी साफ नहीं है। नहीं तो यहाँ पे पहले से नहाते होंगे, है ना, अभी साफ नहीं है। बाकी यहाँ पे लोगों ने अपने नाम लिखना भी शुरू कर दिए हैं पहाड़ों पे।
तो अभी फाइनली हमें कुंती कुंड भी मिल भी गया, और नहीं तो पहले हमने कहीं और ही सोच लिया था। तो फाइनली यहाँ पहुँच गए, और यहाँ पे झंडे और चुन्नी वगैरह भी चढ़ी हुई हैं। तो यहाँ ढूंढना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे लोग कोई नहीं मिलता भाई, आजकल तो कोई नहीं मिला। ऊपर सड़क में मिला था तो भीम का पैर, वो हमें आराम से मिल गया था। बाकी अगर आपने यहाँ आना हो तो गर्मियों के या सर्दियों के टाइम पे आए, उस टाइम घास भी कट जाएगा, तो उस टाइम इतनी दिक्कत नहीं आएगी। और अकेले मत आए, क्योंकि जगह कुछ ऐसी है, आपने देख ही ली होगी, जंगली जंगल है। और हम ऊपर से उतर के आए हैं नीचे, और नीचे बाबा जी की कुटिया इस तरफ है, और मेरा फ्रेंड चला गया आगे। तो इसी रास्ते से होते हुए ऊपर चलते हैं वापस, इससे पहले कि कुछ जानवर वगैरह मिल जाए। तो अभी हम चलते हुए ऊपर पहुँचे हैं, और गर्मी बहुत है, तो थोड़ी देर आराम करके फिर निकलते हैं आगे। बाकी यहाँ के बारे में ऐसा कुछ है मान्यता कि यहाँ काफ़ी सालों पहले, कई लाखों सालों पहले यहाँ पे पांडव आए थे, और नीचे जहाँ हम गए थे वो कुंती कुंड था, जहाँ पे कुंती माता नहाती थी, और उसके बाद गांव के आसपास की औरतें भी नहाया करती थी। पवित्र कुंड वहाँ माना जाता है। तो फिलहाल अभी वहाँ कोई नहीं नहाता, जिस हिसाब से लग रहा है जगह देख के, बहुत कम लोग यहाँ आते हैं, और रास्ता भी नहीं है अभी बरसात में, तो यहाँ आना इस टाइम ठीक नहीं है ना। सर्दियों के टाइम बढ़िया रहेगा। बाकी हम अभी रोड के पास पहुँचने वाले हैं, और हम पहुँचने वाले हैं अभी भीमशिला पांव के पास। हाँ, यहाँ पे आगे भीम का पैर भी है, जहाँ पे हम पहले दिखाया था, आगे जाके, और बाइक हमने लगाई है ऊपर जाके, वो है। तो वहाँ थोड़ा सा रास्ता बचा है, तो थोड़ा सा आराम कर रहे हैं, फिर चलेंगे आगे। बाकी यहाँ की लोकेशन कुछ ऐसी है, जंगल ही जंगल है, और देखो कितना ऊंचा पहाड़ सा लग रहा है, अगर ऊपर जाना होता तो मुश्किल हो जाती। बाकी कुंती कुंड नज़दीक ही है, अगर रास्ता मालूम हो तो। हमें रास्ता मालूम नहीं था, तो ढूंढते ढूंढते काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया, ये तो जल्दी हो जाता काम। बाकी अब तो रास्ते में पहुँच ही गए, और अब निकलेंगे घर की तरफ। बाकी आपको अगर यहाँ आना हो तो अकेले मत आएँ, दो तीन बंदे साथ में आएँ, क्योंकि सुनसान एरिया है और जंगली जानवर का भी डर होता है। बाकी आपको कहाँ से हमने टर्न लिया था, हम आए थे भोटा से उल रोड पे, और उल से ना थोड़ा पीछे एक रास्ता जाता है दैन गांव को, है ना, दैन गांव को हमने टर्न लिया था, एक अंदर को रास्ता जाता है, मंदिर भी साथ में है, वहाँ पर लिखा भी है दैन 2 किलोमीटर। तो दैन से थोड़ा सा आगे जाके आधा किलोमीटर आगे एक पानी का टैंक भी है, मैंने आपको दिखाया भी है शायद, हाँ पीपल का पेड़ है साथ में, और एक रास्ता गया है नीचे को लेफ्ट साइड को, और एक कच्चा रोड है। तो यहाँ तक आपको आना है, आधा किलोमीटर का सफ़र होगा। रास्ते में आप कोई आपको मिले तो पूछ लेना, नहीं तो यहाँ ढूंढना काफ़ी मुश्किल है। और रोड से आते वक्त आपके लेफ्ट साइड को है कुंड भी, और भीम का पैर भी, भीम का पैर तो रोड के साथ नज़दीक ही है, ऊपर से दिखाई देता है, पर आपको पूछना पड़ेगा क्योंकि यहाँ कोई नहीं मिलता अभी तो बराबर है, सारा जंगल एक जैसा है, पूरा जंगल ही जंगल है चारों तरफ, एक जैसा लगता है, पता नहीं चलता कहाँ जाना, क्योंकि हमारा भी काफी टाइम वेस्ट हुआ। वो एक पुलिया है, एक पुलिया पीछे है, एक पुलिया आगे है, एक दो जो लास्ट पुलिया है उस पुलिया से पास पीछे बाइक खड़ी करनी, हाँ पुल के पास, हाँ पुलिया सी है एक, उससे पीछे बाइक खड़ी करनी है, बस उधर से नीचे उतरना है, बाकी यहाँ पहुँच जाएंगे आराम से आप। बाकी अभी यहाँ चलिए, एकदम ठंडी ठंडी हवा, अभी थोड़ा आराम कर रहे हैं, बाकी पानी नहीं है, बोतल लाए थे पर ख़त्म हो गया। बाकी अब निकलेंगे घर की तरफ। बाकी ये था हमारा आज का वीडियो, भीम के फुटप्रिंट का, यानी कि भीम के पैर का, और साथ में माता कुंती कुंड का। बाकी अगर आपको आज वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए जय हिंद। ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, इतनी मेहनत करते हैं हम आपके लिए। ठीक है, जो कह रहे हैं वो भी कर ले लीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए जय हिंद, जय हिमाचल, बाय।